हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी का थर्ड सेमेस्टर है, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। और इस सेमेस्टर से हमारा पिछला लेक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर था और हम इस समय सेल बायोलॉजी के टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में और इस सेमेस्टर से और भी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि आपके एग्जामिनेशन पेपर में बीएससी फर्स्ट ईयर में हर साल एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड, तो आप उस टॉपिक को भी देख सकते हैं। और सेल से रिलेटेड टॉपिक, सेल क्या होता है, सेल की थ्योरी, सेल की स्ट्रक्चर, सेल्स का फंक्शन, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंशिएशन, तो ये टॉपिक भी अलग से कवर कर चुका हूं। आप चैनल के अंदर जाएंगे, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। करेक्ट, तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में, जिसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। प्लांट जिसको हम डिक्टियोसोम बोलते हैं, इसको हम लाइपोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जानते हैं। डाल्टन, जो कि जिन्होंने इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर को दिया था, उनके नाम पर इसको हम डाल्टन कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर जो कैमिलो गोल्जी साइंटिस्ट, उन्होंने इसकी मॉर्फोलॉजी को एक्सप्लेन किया था। इन्होंने जो है डिस्कवर किया था जो उल्लू या फिर कैट की नर्व सेल्स के अंदर, तो उन्हीं के नाम पर इसको बोला गया गोल्जी कॉम्प्लेक्स। करेक्ट, तो जिसके लिए इन्हें 1906 में नोबेल प्राइज से भी अवार्ड किया गया था। तो इस वीडियो के अंदर हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखेंगे। जैसे हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिटेल में हमने वहां पर इंट्रोडक्शन किया था, उसका वहां पर थ्योरी भी नोट किया था और लास्ट में हमने इसके फंक्शन को भी देखा था। जस्ट इसी तरह से हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद यहाँ पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आप हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो वीडियो के इस क्लिप में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, या इसको हम गोल्जी बॉडीज या गोल्जी अपरेटस के नाम से भी जानते हैं। तो इसके जितना भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है या बेसिक नॉलेज होता है, जिसके बेस पर हम आगे की काफ़ी सारे जो इसके पॉइंट है या इसकी फिजियोलॉजी है उसको समझ सकते हैं, या इसके अंदर जो होने वाली केमिकल रिएक्शंस है उसको हम समझ सकते हैं। तो उसे समझने के लिए हमें इसके जितने भी स्ट्रक्चर होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर क्या है और उन स्ट्रक्चर में प्रत्येक जो कंपोनेंट है उसका फंक्शन क्या है और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इसको डिस्कवर किसने किया था, तो काफ़ी सारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वीडियो के इस क्लिप में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स के कितने नाम हैं। जैसे इसको हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं, गोल्जी बॉडीज भी बोल देते हैं, गोल्जी अपरेटस भी बोलते हैं, इसको हम सेल की ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, जैसे ये प्रोटीन्स जो होते हैं या लिपिड्स जो होते हैं उनको सही स्थान पर पहुँचाता है। ठीक है, इसका काम इसी तरीके से स्टेशन की तरह काम करता है, ट्रैफिक पुलिस की तरह। ठीक है, इसको कहाँ पर किसको कैसे पहुँचाना है, कैसे किस ऑर्गन्स पर टारगेट करके। ठीक है, मतलब कि अब ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पर प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ, प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ, तो ये किसी भी ये जाकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन या किसी भी ऑर्गन्स में जाकर शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है, टारगेटेड होता है। ठीक है, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड है तो वो जाकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही एम्बेडेड होगा। ठीक है, तो एक तरीके से ये क्या करता है, ट्रैफिक पुलिस की तरह वर्क करता है। ठीक है, और ये जो है इसको हम गोल्जी बॉडीज, गोल्जी अपरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। अगर ये प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट है, तो हम इसको डिक्टियोसोम के नाम से भी जानते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट करेंगे। इसको हम डाल्टन कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं, रीज़न ये है कि इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर को देने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो डाल्टन हैं। और इसको हम जो है कैमिलो गोल्जी ने इसकी मॉर्फोलॉजी को दिया था, 1898 में इसको डिस्कवर किया था, इसको जो है इसकी मॉर्फोलॉजी को एक्सप्लेन किया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया था। 1906 में इनको नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया था। तो इसको हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसको हम लाइपोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो कई सारे नाम हैं और सभी नाम को आपको लिख लेना है। तो अगर आप इसकी ये जो आप डायग्राम्स देख रहे हैं, ये तीनों डायग्राम्स आपको काफ़ी कुछ समझा देंगे। ये डायग्राम्स आपको ये समझाएगा कि कैसे मतलब सेल के अंदर इसकी पोजीशंस क्या है और इसका फंक्शन क्या है, तो इससे आप कम्प्लीटली समझ जाएंगे। दूसरा आप इस देखेंगे ये इसके जो है ये जो आपको पोलैरिटी को समझाता है। ठीक है, इसमें दो पोल्स बनते हैं, सिस ट्रांस पोल्स बनते हैं, तो उसकी पोलैरिटी को ये इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर को समझा देगा। तो ये तीनों डायग्राम सफिशियंट है आपको समझाने के लिए। करेक्ट, इसका फंक्शन क्या है, केमिकल कंपोजिशन क्या है, मेन फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं सेल के अंदर ऑब्जर्व करने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है जॉर्ज, जिन्होंने सबसे पहले सेल के अंदर इसको ऑब्जर्व किया। उसके बाद मॉर्फोलॉजी गिवन करने वाले मैंने आपको बताया कैमिलो गोल्जी, जिन्होंने 1898 में इसको एक्सप्लेन किया और जिसके लिए उन्हें 1906 में नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया था।
इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर को देने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो डाल्टन है, ठीक है। कैमिलो गोल्जी ने इसको कहाँ पर डिस्कवर किया था? कैट्स, कैट और आउल, उल्लू जो है, उल्लू जो होता है उसकी नर्व सेल्स के अंदर इसको ऑब्जर्व किया था, करेक्ट। इसको हम ऑल्सो कॉल्ड लाइपोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम इन प्लांट सेल, अगर ये प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट है तो इसको हम डिक्टियोसोम के नाम से भी जानते हैं। अभी हम देखेंगे इसका नंबर, ये मतलब प्लांट सेल में इसकी नंबर क्या है, या जो एनिमल सेल में इसका नंबर क्या है, इसमें जो स्ट्रक्चर सिस्टर्नी होता है वो कैसे वेरी करता है अलग, मतलब क्योंकि इसका जो नंबर है वो अलग अलग सेल में अलग अलग तरीके से वेरी करता है। इसका जो शेप है या साइज है वो सब अलग अलग, और इसकी जो संख्या होती है वो अलग अलग सेल में फंक्शन के बेस पर, स्ट्रक्चर के बेस पर, ये सब वेरी करता रहता है, ठीक है। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? बेसिकली फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, ये जो है यूकैरियोटिक जो कंप्लीट डेवलप सेल होती है उनके अंदर पाया जाता है। मेरा पिछला लेक्चर अगर आपने देख लिया है तो आप इस लेक्चर को काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। पिछला लेक्चर मेरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर था, जिसको मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया था कि कैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, सब कुछ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। अगर वो लेक्चर आप देख कर आए हैं तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको और भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। ये जो है काफ़ी सिमिलरिटी शो करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जनरली हम दो भागों में बांट देते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो पार्ट जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ से प्रोटीन का संश्लेषण होता है या सिंथेसिस होता है। दूसरा पार्ट होता है इसका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ पर राइबोसोम अब्सेंट होते हैं और यहाँ से लिपिड का सिंथेसिस होता है। तो ये जो गोल्जी का जो सिस्टर्नी होता है, इसकी स्ट्रक्चर हम देखेंगे अभी, तो ये भी एक तरीके से उसी पार्ट्स में, इसमें भी वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं और सिस्टर्नी प्रेजेंट होता है। थोड़ा बहुत डिफरेंसिएशन है, लेकिन इसका जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उससे काफ़ी, इसकी जो सिस्टर्नी है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो ट्यूबुल्स होता है उससे काफ़ी सिमिलरिटी शो करता है, ठीक है। अभी एक और सिस्टम है GERL सिस्टम, GEG रिप्रेजेंट करता है वहाँ पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स को, ठीक है, और ER रिप्रेजेंट करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, और L रिप्रेजेंट करता है लाइसोसोम को। ये सिस्टम मैं आपको लाइसोसोम के लेक्चर के बाद आपको समझाऊंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से भी। तो यहाँ पर ये कहाँ पर पाया जाता है? जैसे कि मैंने आपको बताया यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है, जो कंप्लीट डेवलप सेल्स होती हैं। उसमें भी कई सारे एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे कि जो प्लांट सेल्स हैं उनके जो गैमेट्स होते हैं उनके अंदर ये अब्सेंट होता है, हालांकि वो भी यूकैरियोटिक सेल है बट उसमें अब्सेंट होता है। RBC में जो होता है वो भी, उस वहाँ भी अब्सेंट होता है, और मतलब थोड़े बहुत एक्सेप्शन है, लेकिन जनरली हम क्या कहेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर गोल्जी कॉम्प्लेक्स अब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल के अंदर गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। मतलब कहाँ पर पाया जा रहा है? जहाँ जो कंप्लीट डेवलप सेल्स होती हैं। अब हम उसके बारे में आगे बात करते हैं। इसका अगर हम नंबर्स देखें तो प्लांट सेल्स के अंदर जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स की संख्या है, जो आप देख रहे हैं जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इनकी संख्या जो है वेरी करती है, मतलब अलग अलग सेल्स में, जैसे प्लांट सेल में 6 से 12 तक हो सकती हैं, 6 to 12 इन नंबर में प्रेजेंट हो सकती हैं। और वहीं पर हम बात करते हैं एनिमल सेल में, तो प्रत्येक सेल में एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। तो प्लांट सेल में इनकी संख्या जो है काफ़ी सारी होती है, 6 to 12, और एनिमल सेल के अंदर ये सिर्फ एक ही पाया जाता है। इच सेल में मतलब प्रत्येक सेल में एक एक होता है, करेक्ट। और जो लोअर एल्गी होता है, जो बिल्कुल लोअर क्लास की जो एल्गी होती है, उसमें इनकी संख्या 1 होती है, और जो राइजोइडल सेल्स होते हैं उसमें काफ़ी सारे जो है इसमें पाए जाते हैं, 100 तक पाए जाते हैं, तो काफ़ी सारे हो गए, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका साइज, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो साइज होता है, जैसे कि आपको पता है ये जो है सिक्रेटरी सेल्स होती हैं, इनका जो मेन फंक्शन होता है वो सिक्रेशन होता है, करेक्ट, स्त्रावन होता है, इसको हम स्त्रावी ऑर्गन्स भी बोलते हैं, सेल का स्त्रावी ऑर्गन्स, ठीक है। तो ये जो है इसके अंदर, ये जो है इनका जो साइज होता है, मतलब ये सिक्रेटरी सेल्स, जैसे फॉर एग्जांपल ये लीवर में जो है, लीवर में और पैनक्रियाटिक सेल में इनकी जो साइज होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, लार्ज होता है, ठीक है। अगर आप लीवर सेल्स को देखो, क्योंकि वो सिक्रेटिक मतलब एक तरीके से उसका सेक्रेशन काम होता है, पैनक्रियाटिक का भी जो है पैनक्रियाटिक जूस का सेक्रेशन करता है, तो जो सिक्रेटरी सेल्स होती हैं उनमें इसकी जो मतलब जो शेप या साइज होता है वो काफ़ी लार्ज होता है। बट ऐसे भी सेल्स हैं जो कि जहाँ पर सेक्रेशन बहुत ही कम होता है या ना के बराबर होता है या सेक्रेशन नहीं होता, जैसे कि नॉन सिक्रेटरी सेल्स, जैसे फॉर एग्जांपल है इसका मसल्स, तो इसमें जो है इसका जो साइज होता है बहुत ही छोटा होता है, स्मॉलर होता है, करेक्ट।
तो ये जो है किसके बेस पर, साइज के बेस पर, या यहाँ पर इसके फंक्शन के बेस पर इसका जो साइज है वो थोड़ा डिफरेंशिएशन होता है। यहाँ पर इसका फंक्शन ज़्यादा है मतलब ज़्यादा सेक्रेशन कर रहा है तो इसमें इसका साइज बड़ा सा हो गया। वहाँ पर मसल्स की बात करते हैं, यहाँ पर इसका सेक्रेशन का काम नहीं है तो यहाँ पर काफ़ी स्मॉलर हो गया। तो फंक्शन के बेस पर इसका जो साइज है वो वेरी करता है। उसके बाद हम बात करते हैं लोकेशन की, ये सेल में कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो देखो यहाँ पर इसका जो इसके दोनों, जैसे आपने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, जस्ट वहीं पर अब हम देखते हैं यहाँ पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो ये इसका एक जो पार्ट होता है वो बिल्कुल न्यूक्लियस के करीब होता है, जिसको हम बोलेंगे पेरी न्यूक्लियर। ठीक है, लोकेशन जो होता है, एनिमल की हम बात करते हैं तो एनिमल में जैसे वर्टिब्रेट होते हैं जिनमें जिसमें वर्टिब्रेट कॉलम प्रेजेंट होता है, उसमें जो है ये जो है न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोजर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और वहीं पर हम इनवर्टिब्रेट या प्लांट सेल की बात करते हैं तो ये स्कैटर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं, एकदम फैले हुए, ठीक है, डिफ्यूज होते हुए। तो इनका जो है सेल के अंदर जो लोकेशन है वो अलग अलग होता है। प्लांट सेल के अंदर इनकी जो लोकेशन है वो एकदम फैली हुई, पूरे सेल में छितर बितर होते रहते हैं, मतलब थोड़ा स्कैटर्ड फॉर्म में या डिफ्यूज फॉर्म में। वहीं पर हम बात करते हैं एनिमल सेल में या वर्टिब्रेट एनिमल में, तो उनमें क्या होता है, जो सेल के अंदर जो ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है ये न्यूक्लियस के एकदम करीब प्रेजेंट होता है। करीब मतलब बिल्कुल पास, क्लोजर टू द न्यूक्लियस, करेक्ट। अब इसका जो शेप की बात कर रहे हैं तो प्लियोमॉर्फिक कहलाता है। प्लियोमॉर्फिक मतलब एक तरीके से बहुरूपी, जैसे आपने सुना होगा बहुरूपिया, मतलब जो कई सारे रूप अपने बदल दे, किसके अकॉर्डिंग, अपनी एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो ये जो है प्लियोमॉर्फिक होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन वेरियस, मतलब कि जो है फंक्शन के अकॉर्डिंग जो है इनका इसका जो रूप है वो अलग अलग हो सकता है अलग अलग फॉर्म में। तो ये जो है प्लियोमॉर्फिक होता है। अब हम देखते हैं अगर इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, अब हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स की अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें जनरली थ्री कंपोनेंट नजर आएंगे। जैसे हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात किया था तो वहां पर भी थ्री कंपोनेंट प्रेजेंट थे, लेकिन अगर हम यहां पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहां पर भी थ्री कंपोनेंट आपको नजर आएंगे। नंबर फर्स्ट इज दैट सिस्टर्नी, नंबर सेकेंड इज वेसिकल्स, एंड नंबर थर्ड इज वैक्यूल्स। अगर आप सिस्टर्नी की स्ट्रक्चर को देखो तो जैसे आपने पढ़ा था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो दूसरे वाला पार्ट जिस पर राइबोसोम अब्सेंट था जो कि लिपिड का संश्लेषण कर सकता था, उससे बिल्कुल सिमिलरिटी शो करता है। ठीक है, बस इसमें क्या है, इसमें जो सिस्टर्नी थे बड़े ही स्ट्रेट थे एकदम, ठीक है, एकदम स्ट्रेट टाइप के थे, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेट नहीं होता। ध्यान से इसमें देखेंगे, इसमें जो है स्ट्रेट बिल्कुल भी नहीं होता। और दूसरा पॉइंट क्या है कि इनके जो सिस्टर्नी होती है वो सैक लाइक होते हैं, देखेंगे आप ये यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल सैक लाइक, ठीक है, ये गोल्जी सैक कहलाता है। दूसरा पॉइंट ये जो है अनब्रांच होता है, ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या है, ये पैरेलली अरेंज रहते हैं। ध्यान से आप देखेंगे एक तरीके से पैरेलल अरेंजमेंट पाया जाता है। चौथा, इन ये जो सिस्टर्नी होता है इनके बीच में गैप भी प्रेजेंट होता है, इनके बीच में इंटर सिस्टर्नल स्पेस प्रेजेंट होता है, ठीक है, यहाँ पर ये आपस में कनेक्ट थे लेकिन यहाँ पर कनेक्शन आपको देखने को नहीं मिलता है, करेक्ट। और दूसरे यहाँ पर देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, इसमें जो है इंटर कनेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है इनमें इंटर कनेक्शन आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, इंटर सिस्टर्नल स्पेस, स्पेस प्रेजेंट होगा जिसको हम बोलेंगे इंटर सिस्टर्नल स्पेस, ठीक है। और इन सिस्टर्नी के अंदर जो है ट्रांसपेरेंट लिक्विड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये था सिस्टर्नी के बारे में। दूसरा है इसमें वेसिकल्स, दूसरा जो कंपोनेंट होता है वेसिकल्स होता है, यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे, ठीक है, ये नीचे की तरफ यहाँ पर देखो। अब यहाँ पर सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव पॉइंट है, वो ये है कि इसके दो सरफेस आप मान सकते हैं, ठीक है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है इसको दो सरफेस में डिवाइड किया गया। नंबर जो फर्स्ट यहाँ पर जो नीचे वाला, ठीक है, इसको हम बोलेंगे कॉनकेव साइड या कॉन्वेक्स साइड या फिर इसको हम बोल सकते हैं जैसे कॉन्वेक्स साइड है, और दूसरा इसको हम बोल सकते हैं फॉर्मेटिव फेज, ठीक है। सरफेस भी, साइड की जगह आप सरफेस भी लगा सकते हैं, तो कॉन्वेक्स सरफेस और एक फॉर्मेटिव फेज, या इसको हम सिस फेज। इसमें दो फेज होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो पोलैरिटी, इसमें पोलैरिटी देखने को मिलती है, इसमें दो फेज होंगे, एक सिस फेज एक ट्रांस फेज। तो इसमें जैसे कि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बीएससी फर्स्ट ईयर में, सिस और ट्रांस फेज दो नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, जस्ट लाइक वहीं पर यहाँ पर भी है, ठीक है, अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, दो फेज होते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले जो फेज हो गया उसको हम बोलेंगे कॉनकेव साइड,
जैसे अच्छा इसको और भी बेहतर से समझना होगा तो आप इस डायग्राम में चले जाइए। इस डायग्राम में आपको क्या दिखाई दे रहा है, सेंटर में न्यूक्लियस है और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये जो है आपको गोल्जी कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ सब, हालांकि ऐसा नहीं होता, थोड़ा गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है थोड़ा इधर हो जाएगा या फिर मतलब एक दोनों एक दूसरे के बिल्कुल साइड में नहीं होते, एकदम सामने नहीं होते, ये जो है डायरेक्टली कनेक्ट रहता है। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सब्सटेंस का वहाँ पर दिखाना था कि कैसे इसमें सब्सटेंस वैक्यूल्स बनता है, कैसे प्रोटीन का इसमें जो है मॉडिफिकेशन होता है, कैसे प्रोटीन का फोल्डिंग होती है, तो वो सारा जो पार्ट दिखाना था इसलिए मैंने यहाँ पर इस सामने बना दिया है। ठीक है, हालांकि डायरेक्टली जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड रहता है, ये थोड़ा एक दूसरे से थोड़ा डिफरेंशिएशन जरूर होता है, ये जो है इधर साइड में हो जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी नोट कर लेना है। तो देखो यहाँ पर इन दो सर्फेस को आप इजिली समझ सकते हैं, इसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स के दो साइड या दो सर्फेस होते हैं, एक सर्फेस होता है कॉनकेव सर्फेस, ठीक है, अवतल, ठीक है, कॉनकेव सरफेस, इसको हम मैचुरेशन फेस भी बोलते हैं और ट्रांस फेस भी बोलते हैं, ये पॉइंट नोट कर लेंगे। और ये किसकी तरफ होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है। अब आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो है फेस या ये जो सरफेस होगा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होगा। कौन सा सरफेस, ट्रांस फेस, कॉनकेव सरफेस या मैचुरेशन फेस। दूसरा जो सरफेस होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स सरफेस, इसको उत्तल, ठीक है, हिंदी में कॉन्वेक्स को उत्तल बोलेंगे। तो ये उत्तल सरफेस, इसको ये जो है टुवर्ड्स द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ होता है, करेक्ट, इसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिव फेस या सिस फेस। फॉर्मेटिव फेस क्यों बोलते हैं, इसका रीज़न भी मैं आपको अभी बताऊंगा कि क्योंकि इसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलिए मैं अभी आपको बता देता हूं, जैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो पार्ट हैं, एक तो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इस पर राइबोसोम प्रेजेंट है और राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, और वहीं पर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका फंक्शन होता है लिपिड का संश्लेषण करना। तो ये जो है लिपिड या प्रोटीन का जो संश्लेषण करके एक वैक्यूल में, जैसे ये वैक्यूल प्रेजेंट हो गया, सॉरी वेसिकल्स प्रेजेंट हो गया, इस वेसिकल्स के अंदर ये जो है पैकेजिंग करके एक तरीके से इसके अंदर जो है लिपिड भी हो सकता है और प्रोटीन भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये वैक्यूल्स यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल गया, ठीक है, तो अब यहाँ पर लिपिड भी हो सकता है या प्रोटीन भी हो सकता है, ये जो वैक्यूल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकला। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जाता हुआ ये आ गया किस सरफेस पर, कॉन्वेक्स सरफेस पर, ठीक है, या फॉर्मेटिव, क्योंकि यहीं से फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, क्योंकि देखो जो प्रोटीन का संश्लेषण हो रहा है, ठीक है, अब ये जो प्रोटीन्स का संश्लेषण हुआ राइबोसोम से डायरेक्टली, अब इसमें ये ज़रूरी नहीं है, अब ये कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हीमोग्लोबिन की बात करता हूँ, हीमोग्लोबिन एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर वो डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स कैसे बना, स्टार्टिंग में जो वो प्रोड्यूस होता है तो वो एक तरीके से एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन के थ्रू जो है, मतलब कि एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन के फॉर्म में होता है, ठीक है, जब हीमोग्लोबिन फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस होता है तो वो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन अब वहाँ पर उसका फोल्डिंग करना है, केमिकल मॉडिफिकेशन करना है, तो ये सारा प्रोसीजर कहाँ पर होगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर या गोल्जी अपरेटस के अंदर। अब देखो क्या होगा, ये जो है वैक्यूल जो है वो आकर के अटैच हो जाएगा इसके इस यहाँ पर कॉन्वेक्स सरफेस पर, ठीक है, इसके कॉन्वेक्स सरफेस पर, यहाँ पर जो आगे सिस्टर्नी होता है यहाँ पर आएगा और इसके ऊपर अटैच होकर के, और इसके अंदर ये जो रेड रेड कलर का आपको स्पॉट दिखाई दे रहा है, सपोज करो ये एक प्रोटीन या लिपिड्स है, ये आकर के इसके अंदर एंटर कर जाएगा, करेक्ट। अब ये सिस्टर्नी के अंदर एंटर करने के बाद इसका ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गोल्जियन वैक्यूल्स, ये जो फूला हुआ स्वेलिंग पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं गोल्जियन वैक्यूल्स, ये यहाँ पर किनारे पर अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो पूरा इकट्ठा होकर के यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, अब इसमें फोल्डिंग हो जाएगा, इसका केमिकल मॉडिफिकेशन करने के लिए जो है एक स्टेप बाय स्टेप में गुजरता है। तो ये जो रेड कलर का जो स्पॉट दिखाई दे रहा है ये यहाँ पर आ करके इसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा, और फिर ये बडिंग के थ्रू जो है ये सेपरेट हो जाएगा, यहाँ से सेपरेट होने के बाद अब ये फिर दोबारा से इस सभी अपरेटस के अंदर जो है सभी सिस्टर्नी के अंदर ऐसे जैसे यहाँ पर हुआ था ऐसे सभी में गुजरता रहता है, गुजरने के बाद तब जाकर ये तैयार हो जाता है। अब ये जो प्रोटीन तैयार हुआ ये बिल्कुल मैच्योर होता है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मैच्योरेशन फेस। यहां पर रो मटेरियल था, कच्चा माल था, और यहां पर पका हुआ माल था, ऐसे आप समझ सकते हैं,
ठीक है। अब ये पूरी तरीके से फोल्डेड प्रोटीन या कॉम्प्लेक्स प्रोटीन में जो है प्रिपेयर हो चुका है। अब इसको जिस टारगेट ऑर्गेन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक पुलिस की तरह वर्क करता है, जिसको जहां पर भेजना है वहीं पर भेजता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रोटीन या लिपिड्स तैयार हो गया और जाकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंटर कर गया या सेल से, यह एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर भी निकल सकता है। ठीक है, एक्सोसाइटोसिस, एक होता है एंडोसाइटोसिस प्रोसीजर, एक होता है एक्सोसाइटोसिस प्रोसीजर। तो ये जो है, ये मॉलिक्यूल ये जो आपको दिखाई दे रहा है वेसिकल्स या वैक्यूल्स, ये जो है बाहर निकल जाता है। करेक्ट। अब इसके अंदर ये पूरी तरीके से मैच्योर हो गया है तो इसे हम बोलेंगे, इसलिए इसको हम बोलते हैं मैच्यूरेशन फेज। तो इसके दो फेज हो गए जो कि मैं आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा स्ट्रक्चर इसमें वैक्यूल्स होता है, वैक्यूल्स एक बड़ी सी स्फेरिकल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि दो साइड हैं गल्जी कॉम्प्लेक्स के, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। ठीक है, कॉन्वेक्स साइड जो होता है वो फॉर्मेटिव फेज कहलाता है या सिस फेज कहलाता है, और कॉनकेव साइड जो होता है वो यहाँ पर नोट करेंगे मैच्यूरेशन फेज कहलाता है या ट्रांस फेज कहलाता है। करेक्ट। अब ये जो नंबर ऑफ सिस्टर्नी है, ये जो सिस्टर्नी गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो सिस्टर्नी है, ये इनका जो नंबर होता है वो वेरी करता रहता है। नंबर ऑफ सिस्टर्नी इज वेरिएबल, प्लांट के अंदर 10 से 20 हो सकता है, एनिमल के अंदर 6 से 12 हो सकता है, और फंजाई में यूनिसिस्टर्नल, मतलब कि सिर्फ एक सिस्टर्नी ही प्रेजेंट होता है फंजाई के अंदर। इसलिए कभी कभी हम बोल देते हैं कि जो फंजाई का होता है, फंजाई सेल के अंदर, उसके अंदर एब्सेंट होता है, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है वो एब्सेंट होता है, इसलिए भी कभी कभी कह देते हैं। लेकिन इसमें जो है कभी कभी यूनिसिस्टर्नल, मतलब कि एक सिस्टर्नी देखने को मिल जाता है। तो ये अब तक हमने देखा गोल्जी कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर के बारे में। हम कहेंगे थ्री मेजर कंपोनेंट सब बना होता है, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और वैक्यूल्स। वेसिकल्स छोटे छोटे होते हैं, वैक्यूल्स बड़े बड़े स्फेरिकल होते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं वेसिकल्स छोटे छोटे और किस सरफेस पर, कॉन्वेक्स साइड में। वैक्यूल्स जो होते हैं वो ऊपर बड़े बड़े स्फेरिकल होते हैं, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, कॉनकेव साइड में। अब हम देखेंगे थोड़ा सा इसका फंक्शन। फंक्शन में सेक्रेशन, सेल प्लेट फॉर्मेशन करता है, सेल वाल का फॉर्मेशन करता है, और जो स्पर्म है उसके आगे वाला जो टिप या आगे वाला जो सिरा होता है, एक्रोसोम जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर हाइलुरोनिडेज एंजाइम होता है, जो कि वहाँ पर एग सेल होता है उसको वहाँ पर लाइसिस करने के लिए प्रेजेंट होता है। तो ये सारा जो है उसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जो एक्रोसोम होता है उसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स ही प्रेजेंट होता है। और भी ये हार्मोन्स का प्रोडक्शन करता है, लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी यहाँ पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स का ही काम होता है। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन देखो तो ये फॉस्फोलिपिड्स, एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट्स का बना होता है। ठीक है, मेन फंक्शन मैंने आपको बताया कि इसका दो मेन फंक्शन है, एक होता है इसका सेक्रेशन, मेन इसका फंक्शन सेक्रेशन है, और सेक्रेशन भी दो टाइप का होता है, एक सिंपल से डिफ्यूजन हो जाता है, सिंपली फैल जाता है जो मटेरियल होता है साइटोप्लाज्म के अंदर या टारगेटेड सेल, और दूसरा होता है रिवर्स पिनेटोसाइट्स। ठीक है, पिनोसाइटोसिस, सॉरी, दूसरा होता है रिवर्स पिनोसाइटोसिस। इसको थोड़ा समझेंगे ध्यान से, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक तो होता है कि पिनोसाइटोसिस कैसे होता है, सिंपल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोई यहाँ पर मटेरियल आया। ठीक है, अब ये मटेरियल जो है आकर के इससे अटैच हुआ, फिर ये एक तरीके से ये पिनोसोम का फॉर्मेशन हुआ और ये पिनोसोम तैयार। तो इस तरीके से कभी कभी पैकेजिंग हो जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। लेकिन अगर इसका रिवर्स हो जाए, मतलब ये जो मटेरियल है ये दोबारा से, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अब ये जो मटेरियल है यहाँ पर आकर के सिस्टर्नी से अटैच होकर के अपना जो मटेरियल है उसको रिलीज कर रहा है इसके अंदर, तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स पिनोसाइटोसिस। सो गाइज, यहाँ पर आप फटाफट इसको नोट करेंगे। अब हम थोड़ा सा इसको हम क्या करेंगे, अब जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन आप ऑलरेडी दे दिया है, तो अब आपको इसको सिंपली क्या करेंगे, थ्योरिटिकल अब हमारा टॉपिक होगा कि हम इसको थ्योरिटिकली कैसे, इंट्रोडक्शन क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, सब इसको थ्योरिटिकली एक्सप्लेन करेंगे। पहले आप इसको फटाफट नोट करें गाइज। अब आपके सामने ये थ्योरी है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस की, जिसमें मैंने स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन दिया था वही थ्योरी अब आपके सामने डायरेक्टली यहाँ पर है। इसके बेस पर आप एग्जाम पेपर में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरी है। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक्स में से ली गई थ्योरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है। सभी इसमें जो गोल्जी बॉडी को एक्सप्लेन किया गया है, पॉइंट टू पॉइंट किया गया है, मतलब यहाँ से इसकी जो थ्योरी है वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखो, सबसे पहले अगर हम डिस्कवरी की बात करते हैं, सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब हम देखते हैं सबसे पहले इस डिस्कवरी। गोल्जी बॉडी इज ऑल्सो कॉल्ड लाइपोकॉन्ड्रिया और इडियोसोम्स। गोल्जी बॉडी को हम लाइपोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं, इडियोसोम भी बोलते हैं, एंड डाल्टन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, क्योंकि डाल्टन ने इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर को प्रोवाइड किया था, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं और गोल्जी ऑपरेटस भी।
थ्रू वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय जॉर्ज। जॉर्ज ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था 1867 में, बट इट्स मॉर्फोलॉजिकल डिटेल्स वर गिवन बाय गोल्जी, कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ने 1898 में इसकी मॉर्फोलॉजिकल डिटेल्स को दिया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज से अवॉर्डेड किया गया था। ठीक है, 1906 में नोबेल प्राइज से उन्हें अवार्ड किया गया। एंड इन ए नर्व सेल्स ऑफ कैट्स एंड आउल, जो बिल्ली एंड जो आउल होता है, उल्लू जो होता है, उसकी नर्व सेल्स के अंदर इसको इन्होंने उसको एक्सप्लेन किया। एंड इट इज़ ए लाइट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनल, ये जो है लाइट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनल है। और दूसरा नंबर पॉइंट है ऑक्यूरेंस, प्राप्ति स्थान कहाँ पर पाया जाता है। सो गोल्जी बॉडी इज़ अब्सेंट फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है जो कि लेस डेवलप सेल है उसमें ये अब्सेंट होता है, और जितने भी हाई डेवलप सेल जैसे इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल द यूकैरियोटिक एक्सेप्ट मैच्योर मैमेलियन आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्प सेल्स में अब्सेंट होता है, मैच्योर आरबीसी में एब्सेंट होता है, और स्पर्मेटोजोआ ऑफ ब्रायोफाइटा एंड ट्राइडोफाइटा एंड शिव ट्यूब्स ऑफ सेल्स ऑफ द फ्लोएम ऑफ एंजियोस्पर्म। जैसा कि मैंने आपको बताया था टेरिडोफाइटा का स्टीलर सिस्टम एक्सप्लेन करते वक्त, कि जो स्टीलर सिस्टम होता है उसमें फ्लोएम जो होता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम, फ्लोएम के अंदर जो सिव ट्यूब्स होती हैं उनके अंदर ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है ये अब्सेंट होता है। वहाँ पर इसकी बात की गई, जो सिव ट्यूब्स होता है दिस इज द कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम। ठीक है, दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या कहा, स्पर्मेटोजोआ ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट की जो स्पर्मेटोजोआ है उसके अंदर अब्सेंट होता है। तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या कहा कि जो मैच्योर मैमेलियन आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स जो होता है उसके अंदर भी एब्सेंट होता है, बाकी सभी जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं जो कि कंप्लीट डेवलप, जिसके अंदर एनिमल और प्लांट सेल आता है, उसमें प्रेजेंट होता है। करेक्ट। तीसरा पॉइंट है पोजिशन, पोजिशन क्या है इसकी, इन द वर्टिब्रेट सेल, जो वर्टिब्रेट सेल है गोल्जी बॉडी इज सिंगल, सिंगल होता है जिसको हम बोलते हैं गोल्जीसोम, एंड लोकलाइज्ड एज इसकी जो लोकेशन होती है एंड ऑक्यूपाइज ए फिक्स्ड पोजिशन होती है, एंड इट लाइज अराउंड ए अबव सेंट्रियोल नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोज पास में पाया जाता है। वाइल ए नंबर ऑफ गोल्जी बॉडीज आर पेरी न्यूक्लियर अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब ये जो है अराउंड द न्यूक्लियस पाया जाता है और इन द नर्व सेल्स। इन वर्टिब्रेट एंड प्लांट सेल्स ए नंबर ऑफ गोल्जी बॉडीज आर स्कैटर्ड, जो कि मैं ऑलरेडी ये सारी पॉइंट मैं इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ, बस यहाँ पर थोड़ा हम थ्योरेटिकली नोट कर रहे हैं, थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं ताकि हमको अच्छे से याद हो जाए। जैसे ये तो मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि वही स्कैटर्ड फॉर्म में पाया जाता है, इरेगुलरली होते हैं इन साइटोप्लाज्म के अंदर, एंड आर कॉल्ड डिक्टियोसोम प्लांट सेल के अंदर, इसको हम डिक्टियोसोम बोलते हैं। दिस कंडीशन इज कॉल्ड डिफ्यूज, जो स्कैटर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं, बिखरे हुए पाए जाते हैं सेल के अंदर कंडीशन, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूज, फैलना। ठीक है, उसके बाद पॉइंट आता है शेप, तो शेप इनकी कैसी होती है, इट वेरीज एंड डिपेंड अपॉन द फंक्शनल स्टेट ऑफ द सेल, सो इज कॉल्ड इज प्लियोमोर्फिक ऑर्गेनल। ये जो है प्लियोमोर्फिक मतलब कि बहुरूपी होता है, अपना जो रूप होता है वो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज करता रहता है, सो वी कैन से दिस इज द प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनल। उसके बाद आता है साइज एंड नंबर, इसका जो साइज होता है और नंबर होता है, इट इज़ ए लार्ज साइज इन मैच्योर फंक्शनल एंड सिक्रेटरी सेल्स, इसका जो साइज होता है बिल्कुल जो मैच्योर फंक्शनल सेक्रेटरी सेल्स होती है और जो जर्मिनल सेल्स होती है जिसमें सबसे ज़्यादा सेक्रेशन होता है उसमें इसका जो साइज होता है वो काफ़ी लार्ज होता है। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ड्यू टू द फंक्शन, यहाँ पर फंक्शन की दृष्टिकोण से देखा गया है कि जो सेक्रेटरी सेल्स है और जर्मिनल सेल्स है उसमें ज़्यादा सेक्रेशन होता है, ज़्यादा फंक्शन है, इसलिए उसका जो साइज है वो लार्ज है। बट वहीं पर हम बात करते हैं स्मॉल इन ए नॉन सेक्रेटरी सेल्स, फॉर एग्जाम्पल मसल सेल्स, जो हमारी मसल्स होती है उसमें बहुत ही कम सेक्रेशन होता है या सेक्रेशन बिल्कुल भी नहीं होता, तो उसमें जो इसका साइज है बहुत ही स्मॉल होता है। करेक्ट, तो ये भी फंक्शन के अकॉर्डिंग ही हुआ। द नंबर ऑफ डिक्टियोसोम इन प्लांट सेल इज हाईली वेरिएबल, मतलब कि जो डिक्टियोसोम या गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है प्लांट सेल के अंदर हाईली वेरिएबल होता है। फॉर एग्जाम्पल वन इन लोअर एल्गी, मतलब एक जो लोअर एल्गी होता है उसमें इनकी संख्या एक होती है, एंड जो कारा एल्गी है, कारा एल्गी में लगभग 25,000 के अप्रोक्स राइजोइडल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, मतलब राइजोइडल सेल्स जो कारा की जो राइजोइडल सेल्स होती हैं उसमें जो इनकी संख्या है 25,000 होता है। करेक्ट,
सो गाइज एवरेज नंबर रेंज इज 10 to 20 डिक्टियोसोम पर प्लांट सेल्स, मतलब जो प्लांट सेल्स हैं उसमें जो एवरेज नंबर देखा गया तो प्रत्येक सेल के अंदर 10 to 20 डिक्टियोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, 10 से लेकर 20 तक। स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बाय डाल्टन फेलिक्स 1954, इन्होंने जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिया था, द गोल्जी बॉडीज फॉर्म थ्री टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, ये जो है थ्री टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है। नंबर फर्स्ट इज दैट सिस्टर्नी, नंबर सेकेंड इज वैक्यूल्स, नंबर थर्ड इज वेसिकल्स। सो सिस्टर्नी की अगर हम बात करते हैं, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ सिस्टर्नी की स्ट्रक्चर और उसके बारे में, देखो ये सिस्टर्नी की स्ट्रक्चर है जो कि फ्लैट होता है, एकदम फ्लैट, ठीक है, चपटा होता है, और किनारे से ये स्वेलन पार्ट होता है, इसके दोनों एंड पर आप देखेंगे स्वेलन पार्ट, फूला हुआ भाग होता है, जिसको हम गोल्जियन वैक्यूल्स बोलते हैं, करेक्ट, गोल्जियन वैक्यूल्स। तो इसको भी नोट करेंगे, इसकी थ्योरी को भी नोट करेंगे। ऑल्सो कॉल्ड फ्लैटेंड सेक्स एंड और सेक्यूल्स और पैरेलल मेम्ब्रेन, ये जो है पैरेलली प्रेजेंट होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक पैरेलल मेम्ब्रेन्स होती हैं, एंड दीज आर इलोंगेटेड, डबल लेयर्ड होता है, इलोंगेटेड होता है, एंड फ्लैट एंड कवर्ड, एंड कवर्ड कंपोनेंट विद ए स्वेलन एंड्स, दोनों तरफ देख सकते हैं स्वेलन एंड्स प्रेजेंट है, एंड अपॉन द अदर स्वेलन एंड्स ऑफ द सिस्टर्नल इज कॉल्ड गोल्जियन वैक्यूल्स, ये जो किनारे वाला जो फूला हुआ भाग है इसको हम बोलते हैं गोल्जियन वैक्यूल्स। और इनकी जो संख्या है वो एनिमल सेल में 3 से 12, एनिमल सेल के अंदर 3 to 12 होती है, और प्लांट सेल के अंदर 10 to 20, मतलब प्लांट सेल के अंदर इनकी संख्या ज़्यादा होती है, करेक्ट। तो इसको फटाफट नोट करें। तो गाइज नंबर सेकंड कंपोनेंट हेडिंग डालेंगे वैक्यूल्स, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीन फिर बाद में आप उसको नोट कर सकते हैं। और अभी आप यहाँ पर समझिए, जैसे नंबर सेकंड कंपोनेंट इसका जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है वो है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो है स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, जिसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो लिखेंगे इसके बारे में, दीज आर स्फेरिकल कंपोनेंट्स एंड इच अबाउट, इसका जो डायमीटर होता है वो 1600 एंगस्ट्रॉम का होता है, एंड लाई टुवर्ड्स द कॉनकेव साइड्स इन द सिस्टर्नी, ये देखो ये है कॉन्वेक्स साइड, दिस इज अ कॉनकेव साइड्स, तो ये जो है कॉनकेव साइड्स की तरफ लाई करता है सिस्टर्नी के। ये सिस्टर्नी का कौन सा पार्ट है, देखो ये सिस्टर्नी का कौन सा पार्ट होगा, इसको हम बोलेंगे कॉनकेव साइड, एंड दिस इज द कॉन्वेक्स साइड, जिस नीचे वाला पार्ट कॉन्वेक्स साइड्स होगा। तो कॉन्वेक्स साइड्स जो होता है वो वहाँ से जो कोई भी वेसिकल्स है वो एंटर करता है, वहाँ से जो सब्सटेंस है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स जो होता है वो आकर के इससे अटैच रहता है, अटैच होने के बाद वो प्रोटीन रिलीज़ कर देता है, प्रोटीन या लिपिड्स कोई भी सब्सटेंस इस गोल्जी बॉडी के जो सिस्टर्नी है इस पर रिलीज़ कर देता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे ये जो है स्टेप बाई स्टेप यहाँ पर आकर के इसमें वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो देखो क्या होगा, जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन के साथ अटैच हो जाएगा कोई कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज अटैच हो जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन बना देगा, लिपिड्स के साथ अगर अटैच हो गया तो ग्लाइकोलिपिड्स बना लेगा, ठीक है। अब वो ग्लाइकोलिपिड्स की जरूरत जहां पर होगी या ग्लाइकोप्रोटीन की जरूरत जहां पर होगी वहीं पर जाकर के वो अटैच हो जाएगा, टारगेटेड ऑर्गन्स तक पहुंच जाएगा, करेक्ट। तो यही फंक्शन होता है, ठीक है, यही ट्रैफिक पुलिस की तरह इसी तरह से ये वर्क करता है। सो वैक्यूल्स के बारे में हमने लिखा, नंबर थर्ड जो कंपोनेंट होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का वो है वेसिकल्स। सो वेसिकल्स क्या है, दीज आर द स्मॉल साइज कंपोनेंट्स, ठीक है, ये जो है स्मॉल साइज के कंपोनेंट्स होते हैं, एंड इच अबाउट इनका जो डायमीटर होता है 14 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है, 14 एंगस्ट्रॉम का डायमीटर है, एट प्रेजेंट अलोंग द कॉन्वेक्स सरफेस, ये जो है सिस्टर्नी के रेस्पेक्ट में कॉन्वेक्स सरफेस में प्रेजेंट होगा। एंड वेसिकल्स आर ऑफ टू टाइप्स के वेसिकल्स होते हैं, स्मूथ वेसिकल्स विच कंटेन सेक्रेटरी प्रोडक्ट, जिसके अंदर सेक्रेटरी प्रोडक्ट प्रेजेंट होता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जी कॉम्प्लेक्स का सेक्रेटरी प्रोडक्ट प्रेजेंट जो है सेक्रेटरी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। एंड कोटेड वेसिकल्स, जो दूसरा टाइप का जो एंडो वेसिकल्स होता है उसको हम बोलेंगे कोटेड वेसिकल्स, विथ रफ सरफेस एंड जनरली लाई नियर द कॉन्वेक्स सरफेस, करेक्ट। और एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दोनों सरफेस के बारे में, कॉनकेव और जो कॉन्वेक्स सरफेस है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर लिखेंगे, द गोल्जी बॉडी हैज़ ए डेफिनेट पोलैरिटी, इसमें जो है पोल्स बनते हैं सिस एंड ट्रांस, एंड इट्स कॉनकेव साइड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन, ये जो है टू सेल मेम्ब्रेन की ओर प्रेजेंट होता है, एंड कॉल्ड द मैचुरेशन फेज, जिसको हम बोलेंगे मैचुरेशन फेज या ट्रांस फेज, वहीं पर वाइल इट्स कॉन्वेक्स सरफेस इट टुवर्ड्स द न्यूक्लियस एंड द कॉल्ड इज फॉर्मेशन फेज, ये जो है न्यूक्लियस के ऊपर तरफ प्रेजेंट होता है, इसका जो कॉन्वेक्स सरफेस होता है वो न्यूक्लियस की तरफ प्रेजेंट होता है, एंड इसको हम फॉर्मेशन फेस बोलते हैं, क्योंकि यहीं से जो भी वेसिकल्स होता है या मॉलिक्यूल्स होता है उसके अंदर प्रोटीन या लिपिड्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, करेक्ट। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इज सिस फेस, अंडरस्टैंड। एंड इट अपीयर, ये अपीयर कब होता है, कब दिखाई देगा, दैट मटेरियल आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द सिस टू ट्रांस बाय वेसिकल्स, जब वेसिकल्स जो होता है उसके अंदर जो
मटेरियल है उसका ट्रांसपोर्ट जब होता है तब हमको पता चलता है कि हाँ ये कॉन्वेक्स साइड है एंड दिस इज अ कॉनकेव साइड्स, ठीक है, एक ट्रांस और एक सिस फेज। केमिकल कंपोजिशन की अगर हम बात करते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स के, तो आपको इसमें दिखाई देंगे फॉस्फोलिपिड्स, एंजाइम्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। सो फॉस्फोलिपिड्स में फ्रॉम फॉस्फोलिपिड जो होता है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मेम्ब्रेन, ठीक है, वो जो है मेम्ब्रेन बनाता है। और नंबर सेकंड एंजाइम्स जो होते हैं जैसे एसिड फॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं, जैसे ADPase एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब ये Mg2+ ATPase मतलब Mg2+ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसमें आपको लिखेंगे ग्लूकोसामिनेज एंड ट्रांसफरेज एट्सेट्रा, ये सारे एंजाइम्स जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के कंपोनेंट में या केमिकल कंपोजिशन में प्रेजेंट होते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज, मैनोज एंड गैलेक्टोज एट्सेट्रा, इसमें इस टाइप के जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो पाए जाते हैं, ठीक है। सो गाइज ये जो आप देख रहे हैं ये है फ्लो ऑफ सिक्रेटरी मटेरियल, कैसे सिक्रेटरी मटेरियल का फ्लोवेंस होता है। जैसे ये हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसाइकल्स है वो वहाँ से रिलीज हो गया, जो जब देखो ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ से लिपिड का संश्लेषण होता है, और ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ से प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो यहीं से जो है वेसाइकल्स के फॉर्म में उसमें जो प्रोटीन या लिपिड्स जो होते हैं यहीं से निकलते हैं, यहाँ से फ्लोविंग स्टार्ट हो जाता है और ये जो है गोल्जी अपरेटस के जो सिस्टर्नी पर जाकर अटैच हो जाता है, फिर वहाँ से वो लिपिड्स या प्रोटीन को वहाँ पर रिलीज़ कर देता है, ठीक है। अगर प्रोटीन होगा तो वो जो है आगे चल के एकदम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लिपिड्स होगा वो आकर आगे चल करके किसी कार्बोहाइड्रेट से ऐड होकर के ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड्स के रूप में किसी वैक्यूल्स में आकर के बंद हो जाता है। तो पैकेजिंग का भी काम होता है। अभी हम देखेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स के फंक्शन के बारे में, गोल्जी कॉम्प्लेक्स फंक्शन कैसे करता है। तो सबसे पहले आप इसको नोट करें, देखो यह है मैच्योरिंग फेज, यह है फॉर्मिंग फेज और दिस इज अ ट्रांजिशन वेसाइकल्स, और यह क्या है एक पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लो ऑफ सिक्रेटरी मटेरियल, सिक्रेटरी मटेरियल का फ्लो कैसे होता है और किधर होता है, करेक्ट। तो इसको फटाफट आप नोट करें। अरे दोस्तों ये लास्ट हेडिंग है फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, किसी भी सेल ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जाते हो आपका ये जो फंक्शन होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट, इस पोर्शन से इस टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पर बेसिकली हमें पता चलता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो कहाँ से निकलता है, थायरॉयड ग्लैंड से। लेकिन जब आप ये समझते हो कि थायरोक्सिन भी कहाँ से रिलीज होता है, उसको कौन बनाता है, तो वो चीज़ आप यहाँ पर पढ़ोगे, मतलब बिल्कुल डीपली कि कहाँ से बन रहा है, सेंटर पॉइंट कहाँ पर है, करेक्ट। तो अभी हम देखेंगे फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो इस वीडियो का सबसे पहला वाला पार्ट जो मैंने अपलोड किया था वो इम्पोर्टेंट है, और ये लास्ट वाला पार्ट जो कि फंक्शन है, ये दोनों पार्ट अच्छे से रिवाइज कर लें। तो सबसे पहला देखो फंक्शन क्या है, इट इज़ ए इन्वॉल्वड इन सेल सेक्रेशन। मेजर फंक्शन जो गोल्जी बॉडी का या गोल्जी कॉम्प्लेक्स का होता है वो है सेक्रेशन करना। सो इज लार्ज साइज इन द सेक्रेटरी सेल्स, इसी वजह से सेक्रेटरी सेल्स के अंदर जो इनका साइज होता है काफ़ी बड़ा या लार्ज होता है। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हॉर्मोन, ये जो है हॉर्मोन्स का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल थायरॉयड ग्लैंड के अंदर ये थायरोक्सिन का फॉर्मेशन करते हैं। तो अभी आपने क्या देखा कि थायरॉयड ग्लैंड के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन बनता है, और वो कहाँ से बनता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के थ्रू ही बनता है। तीसरा पॉइंट क्या है, इट टेक्स पार्ट इन द सेल प्लेट फॉर्मेशन ड्यूरिंग द साइटोकाइनोसिस इन द प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स में जब साइटोकाइनोसिस का प्रोसीजर होता है उस समय प्लेट का फॉर्मेशन कौन करता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ पैक्टिक सब्सटेंस, जैसे आपने सुना होगा कि प्लांट सेल्स के अंदर या एनिमल सेल्स के अंदर, जनरली प्लांट सेल्स के अंदर आप सुनते हैं कि ये जो है पैक्टिक सब्सटेंस का बना होता है, दैट मीन्स वो पैक्टिक सब्सटेंस कौन सिक्रेट करता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। नंबर फिफ्थ, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ऑफ स्पर्म्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसीजर, इसलिए मैंने यहाँ पर डायग्राम भी बनाया है। देखो एक्रोसोम का फॉर्मेशन जो होता है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक तरीके से उसका ही मॉडिफिकेशन होता है, रूपांतरण होता है। देखो ये सेंटर में जैसे ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये न्यूक्लियोलस है, एंड दिस इज अ सेंट्रियोल, दिस इज अ डिक्टियोसोम, डिक्टियोसोम इज ऑल्सो कॉल्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। सो अब देखो इसमें जो है आगे की तरफ एक्रोसोम का फॉर्मेशन हो जाता है, ये डिक्टियोसोम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज द डिस्टल सेंट्रल एंड एक्सियल फिलामेंट, ठीक है, डिस्टल सेंट्रियोल। उसके बाद नंबर थर्ड डायग्राम देखेंगे, इसमें एक्रोसोम का फॉर्मेशन हो गया, ये प्रॉक्सिमल पार्ट्स हो गया, ये सेंट्रियोल हो जाएगा, ये डिस्टल सेंट्रियोल, एंड दिस इज ए एक्सियल फिलामेंट। एक्सियल फिलामेंट लास्ट में जाकर के टेल बनाता है, और आगे वाला पार्ट में देखेंगे ये हेड बन चुका है एक्रोसोम। एक्रोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होता है जिसका नाम होता है हाइलुरोनिडेज एंजाइम, जो कि एग सेल में जाकर के जब फ्यूजन करता है तो उसे लाइसिस करता है,
करेक्ट, और ये मिडल पार्ट हो जाएगा मिडल पीस और दिस इज अ टेल। तो ये जो इसका एक्रोसोम होता है ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स का ही रूपांतरण होता है, ठीक है। इसी गोल्जी कॉम्प्लेक्स में ही हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है जो कि मैंने आपको नाम बताया हाइलुरोनिडेज एंजाइम, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर ये जो नोट कर सकते हैं प्रोसीजर, एक्रोसोम फॉर्मेशन का प्रोसीजर। उसके बाद है इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स के थ्रू ही होता है। एंड इट टेक्स ए पार्ट इन द विटेलोजेनेसिस, दैट मीन्स योल्क सिंथेसिस। एग्स के अंदर जो योल्क का सिंथेसिस होता है उसमें भी इसी का पार्टिसिपेशन होता है। इट इज़ इन्वॉल्वड इन बायोसिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स, करेक्ट, जो कि मैंने आप बता भी चुका हूँ कि कैसे इनमें ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है, करेक्ट, इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, फिर उसके बाद वैक्यूल्स के फॉर्म में, ठीक है, वेसिकल्स की फॉर्म में वो जाता है, फिर उसके बाद सिस्टर्नी से अटैच होकर के उनके अंदर, तो धीरे धीरे मतलब लास्ट में जो रॉ मटेरियल से राइप मटेरियल, ठीक है, ऐसे बनता रहता है। उसके बाद है टॉपिक इट पार्टिसिपेट इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन्स एंड रिसाइकिलिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रिसाइकिलिंग करता है और पार्टिसिपेट करता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन्स, करेक्ट। एंड कंसेंट्रेशन एंड स्टोरेज ऑफ सेक्रेटरी प्रोडक्ट, कंसेंट्रेशन एंड स्टोरेज ऑफ सेक्रेटरी प्रोडक्ट में काम करता है, मतलब सेक्रेटरी प्रोडक्ट का स्टोरेज भी करता है, कंसेंट्रेशन सांद्रता भी बनाए रखता है, एंड सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। अब आप जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने जैसे पेनक्रियाज आपने नाम सुना होगा, तो पेनक्रियाज में जो आपने सुना होगा कि इससे प्रोटीएज और लाइपेज एंजाइम का सेक्रेशन होता है, तो उस पेनक्रियाज के अंदर ऐसा क्या होता है, कौन सी ऐसी सेल्स होती हैं जो कि प्रोटीएज और लाइपेज का सेक्रेशन करती हैं? सो गाइज एक्सोक्राइन सेल्स के वो सेल का नाम है एक्सोक्राइन सेल्स, और इस एक्सोक्राइन सेल्स के अंदर ही गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, गोल्जी अपरेटस होता है, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम का सेक्रेशन करते हैं, जिनका नाम प्रोटीएज और लाइपेज। ये जो है बायोमोलिक्यूल्स का उपापचय में काम आते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिज्म में काम आते हैं। उसके बाद नंबर सेकंड आप देखेंगे इंटेस्टाइन म्यूकोसा का जो पार्ट है उससे उसके अंदर कौन सी सेल्स प्रेजेंट होंगी, गोबलेट सेल्स। ये जो गोबलेट सेल्स होती हैं इनसे म्यूकस और जाइमोजन एंजाइम का सेक्रेशन होता है, ठीक है। तो इस गोबलेट सेल्स के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, गोल्जी अपरेटस, जो कि इस एंजाइम का सेक्रेशन करता है। तीसरा पॉइंट है इंटेस्टाइन म्यूकोसा का ही एक पैनेथ सेल है, ठीक है, पैनेथ सेल से प्रोटीएज एंजाइम का सेक्रेशन होता है। उसके बाद लीवर सेल्स की बात करते हैं, तो लीवर के अंदर हिपेटिक सेल्स प्रेजेंट होती है जिसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है जो कि लाइपेज एंजाइम का सेक्रेशन करता है। तो इसका अलग अलग जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें उसकी सेल्स के अंदर अलग अलग तरीके से मॉडिफिकेशन, या जैसे कि मैंने आपको बताया प्लियोमॉर्फिक होता है, बहुरूपी होता है, तो इस तरीके से इसमें पाया जाता है, करेक्ट। सिक्रेटरी सेल्स में बहुत सारी जो सिक्रेटरी सेल्स होती हैं उसी के अंदर गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी प्रेजेंट होता है, जनरली यूकैरियोटिक सेल। ब्लड की बात करते हैं, ब्लड के जो प्लाज्मा सेल्स होता है उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स का सेक्रेशन करता है, करेक्ट। तो गोल्जी अपरेटस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रिवेंशन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल। सेल के डिस्ट्रक्शन जब होता है, सेल जब डिस्ट्रक्ट या सेल का विनाश जब होता है, तो उस समय इसका प्रिवेंशन करता है, ठीक है। दिस प्रोसेस द डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल इस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एपोटोप्सिस एंड दिस इज अकर इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो ये जो आपने देखा ये यहाँ पर एक्रोसोम का डायग्राम है, कैसे एक्रोसोम का फॉर्मेशन होता है, और ये फंक्शन है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम पेपर में पूछा जाता है तो इस पॉइंट को हमेशा नोट करें, फंक्शन जरूर पूछा जाएगा और फंक्शन भी आप नोट कर लेंगे। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको बीएससी से रिलेटेड टॉपिक चाहिए, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, धीरे धीरे हम इस चैनल पर प्रोवाइड करने वाले हैं। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।